भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी कोई स्त्री ऐसे सोती है तो घर में अमीरी आती है, बनती है करोड़पति। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो रात के समय महिलाओं को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करेंगी। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखिए, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय श्री कृष्ण। औरत के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी घर में अमीरी आती है। जब औरत रात के समय ऐसे सोती है और सुबह में ये काम करती है, तो यकीन मानिए, ये मैं नहीं कहती, ये शास्त्र कहते हैं कि वो घर कभी भी करोड़पति बन सकता है। दोस्तों, नींद एक ऐसी चीज है जो हर किसी के लिए बहुत ही जरूरी होती है। जब हम कुछ घंटे सो जाते हैं तो हमारे शरीर की सारी थकान दूर हो जाती है और पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। फिर हमारे अंदर दोबारा काम करने के लिए बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। वैसे तो सोने का हर किसी का अपना टाइम फिक्स होता है, लेकिन कई बार ये नींद इतनी जोर से आती है कि व्यक्ति कभी भी कहीं भी सो जाता है। सोना व्यक्ति के लिए उतना ही जरूरी है जितना खाने के लिए भोजन। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी कामयाबी मिलती है, इसीलिए आप भी ये जान लें और सोते समय ये काम जरूर करें। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि देर रात सोने वाली महिला पूरे घर का विनाश करती है और इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती है। मान्यताओं के अनुसार देर रात बेवजह महिला अगर जागती है तो इसका मतलब आपके घर में परेशानियां आ सकती है। इसीलिए किसी भी महिला को बेवजह देर रात तक नहीं जागना चाहिए, ऐसा करने से दोष लगते हैं। इसीलिए जल्द सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए। धर्म शास्त्रों के अनुसार चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो, जहां पर महिला अपना ज्यादा समय सोने में बिताती है तो वहां पर कभी भी राहु, केतु और शनि की दृष्टि पड़ सकती है। सच मायने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महिला हमेशा सारा समय सोने में ही बिताती है तो सभी देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं, इसीलिए सीमित मात्रा में ही सोना चाहिए। ज्यादा सोना धन की हानि और बीमारियों को न्योता देने के बराबर है। जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो नकारात्मक ऊर्जा से भरी बातों का जिक्र बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और आपके सपनों में आकर ये आप पर हावी हो सकती है। सोते समय मन में अच्छे विचारों को लेकर ही सोना चाहिए, कामयाबी मिलती है। दोस्तों, ये बात बहुत ही कम लोगों को मालूम होगी कि हफ्ते के कुछ खास दिनों पर आपको कभी भी देर से नहीं उठना चाहिए। वैसे तो देर से उठने की आदत शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है, लेकिन खास कुछ दिन तो परिवार के सभी सदस्यों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इन दिनों में देर से उठना सबसे भारी दोष और भयंकर बर्बादी का कारण बनता है, इसीलिए मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार जितना जल्दी हो सके जल्दी उठने की कोशिश करें, ये समय आपका विनाश कर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि इन दिनों में देर से उठने से व्यक्ति पर कई सारे दोष लगते हैं जो उसे बर्बाद कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि सुबह में आखिर सही मुहूर्त, सही समय क्या है जागने के लिए, किस समय आपको उठना चाहिए। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त यानी कि इस समय बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। सुबह उठने का सही समय 4 बजे से लेकर 5:30 बजे का समय माना जाता है। इस समय उठना कामयाबी को दर्शाता है। इस समय उठने वाला व्यक्ति देवताओं का, माता लक्ष्मी का प्रिय होता है। लेकिन अगर इस समय पर नहीं उठ सकते हैं तो सुबह 7 बजे से पहले जरूर उठ जाना चाहिए। घर के सदस्यों को चाहिए कि वो 7 बजे से पहले जरूर उठ जाए, क्योंकि जिस भी घर में 7 बजे के बाद उठा जाता है वहाँ पर देवता निवास नहीं करते। खासकर महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, जब भी कोई महिला पूरब दिशा या दक्षिण दिशा में सर करके सोती है तो पूरा परिवार धन धान्य से भर जाता है। खुशियां घर में ऐसे आती है जैसे मानो बरसता हुआ पानी। इस दिशा में पुरुष और महिला दोनों को ही सोना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि जिस घर से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है उन्हें धन संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ता है। दरअसल कई सालों से ऐसी परंपराएं और मान्यताएं चली आ रही है जिसे लेकर कहा जाता है कि अगर ऐसा किया जाए तो वाकई माता लक्ष्मी उस घर से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लेती है। इसीलिए ये बात गांठ बांध लें कि आप ऐसे कामों को बिल्कुल भी ना करें जिससे आपको आने वाले समय में धन का अभाव झेलना पड़े। आखिर कौन से है वो काम जिन्हें शाम या रात के वक्त नहीं करना चाहिए, चलिए आपको बताते हैं। नंबर 1, माना जाता है कि शाम या रात के समय दूध दही किसी को भी नहीं देना चाहिए। जी हाँ, इन चीजों को आप इस समय खरीद कर ले तो आइए, लेकिन भूल कर भी किसी को अपने घर से निकाल कर देना नहीं चाहिए। अगर आपने ये गलती कर दी है तो इससे आपको माँ का गुस्सा झेलना पड़ सकता है।
नंबर दो, याद रहे जैसे आप सुबह उठने के बाद पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद पूजा पाठ करते हैं, वैसे ही सूरज ढलने से पहले शाम के समय भी घर को साफ कर लें। खासकर घर के मुख्य द्वार पर जरूर सफाई कर दें, क्योंकि गंदगी माँ लक्ष्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नंबर तीन, कहा जाता है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और झूठे बर्तनों के मामले में आपका ये दुश्मन माँ लक्ष्मी को भी नाराज कर सकता है। कई घरों में लोग आलस करते हैं और रात के झूठे बर्तन किचन में ही छोड़ देते हैं। अगले दिन सुबह बर्तन धोए जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये सही नहीं है। रात में झूठे बर्तन किचन में रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसे भी माँ अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है और वास्तु शास्त्र के मुताबिक ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है। नंबर चार, आपको पता होगा कि माँ लक्ष्मी को अन्नदाता भी कहा जाता है। उनकी कृपा से लोगों को धन और अन्न दोनों की ही प्राप्ति होती है, इसीलिए याद रहे कि आप गलती से भी अन्न का अपमान ना करें। याद रहे कि जब आप खाना खाएं तो उसे पूरा खत्म कर दें, क्योंकि माँ लक्ष्मी इसके कारण भी रूठ जाती है। नंबर पाँच, इतना ही नहीं, कहा जाता है कि जिन घरों में महिलाओं को हमेशा अपमानित किया जाता है उस घर में भी माता लक्ष्मी जी कभी भी वास नहीं करती, इसीलिए भूल कर भी ये गलती ना दोहराइए। नंबर छह, कई बार हम लोग पूजा करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हमें नुकसान हो सकता है। पूजा करते समय ध्यान रहे कि कोई भी सामग्री जमीन पर ना रखें। कुछ लोग इस बात का ध्यान नहीं देते और भूल से कुछ पूजा का सामान जमीन पर रख देते हैं और बाद में उसी सामान को भगवान को अर्पित कर देते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पूजा सामग्री को हमेशा पूजा की थाली में या किसी कपड़े पर ही रखना चाहिए। नंबर सात, हमेशा स्वच्छ और साफ स्थान पर ही माँ लक्ष्मी का निवास होता है। जिन लोगों के घर में गंदगी रहती है वहाँ लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती, इसीलिए हमें अपने घर की साफ सफाई के साथ ही आसपास भी सफाई रखनी चाहिए। तन के साथ मन का स्वच्छ होना जरूरी है, इसीलिए दूसरों के प्रति किसी प्रकार का वैर भाव नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, अक्सर कुछ लोग जल्दबाजी में बाहर से आकर घर में बिना हाथ पैर धोए ही घुस जाते हैं, सीधा कुछ खाने लगते हैं या फिर बिस्तर सोफे आदि पर बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा करना धार्मिक और वास्तु दोनों की दृष्टि से ये आदत खराब मानी जाती है। इसीलिए हमेशा घर प्रवेश करते समय अपने आप को स्वच्छ रखिए, फिर शाम को एक बार माँ लक्ष्मी का पाठ जरूर करें। अवश्य आपको माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन की प्राप्ति होगी। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं, ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। माँ अन्नपूर्णा को लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है और बिस्तर में खाना खाने से अन्न का अपमान होता है। इस वजह से बिस्तर में खाना खाने वाले लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इन लोगों के शरीर में बीमारियां आती है और इनके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है, इसीलिए हमेशा सम्मानजनक तरीके से आसन पर या टेबल कुर्सी पर बैठकर ही भोजन करना चाहिए। दोस्तों, घर के अंदर डस्टबिन रखना बहुत अच्छी आदत होती है, इससे घर भी साफ रहता है और सुबह कचरे वाले को कचरा देने में भी कोई परेशानी नहीं आती। लेकिन गलती से भी डस्टबिन घर के सामने नहीं रखना चाहिए। कई लोग अपनी सहूलियत के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि इससे सुबह कचरा वाला बिना आपको परेशान करे कचरा लेकर चला जाता है। लेकिन ऐसा करने से सिर्फ कचरा वाला नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी भी आपके द्वार से ही लौट जाती है। इसके अलावा पड़ोसियों के साथ भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।